नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस फैमिली बेस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम ही है पारिवारिक चैनल। इस चैनल पर हम परिवार के लोगों और उपयोगी बातों से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। मैं हूँ इस चैनल का कर्ता धर्ता श्री किरण कदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो के तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला है फेस रिवील, यूट्यूब पर फेस रिवील क्या होता है, कैसे होता है। दूसरा है ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है ये वीडियो। और तीसरा महत्वपूर्ण मेन विषय है सोनू मोनू गोनू पार्ट का विश्लेषण और क्वेश्चन आंसर। इस पार्ट का विश्लेषण शुरू करते हैं। तो ये है क्लास 1 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 लिटिल पिग्स। काव्या ने आपको ये पिछले वीडियो में पढ़ के बताया था, मैं एक रिवाइज कर देता हूँ हिंदी अर्थ के साथ में। Listen and enjoy this story. Once there were three little pigs, Sonu, Monu and Gonu. Sonu lived in a house of straw, Monu lived in a house of sticks and Gonu lived in the house of bricks. तो किसी जमाने में तीन pigs हुआ करते थे जिनका नाम था Sonu, Monu and Gonu. Sonu straw के यानी घास फूस के घर में रहता था, Monu रहता था sticks से यानी बैम्बू के बने हुए लकड़ी के घर में, और गोनू रहता था सबसे मजबूत ब्रिक और सीमेंट यानी सीमेंट और ईंट से बने घर में। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। सो ही हफ एंड ही पफ एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। एक दिन एक बड़ा वुल्फ आया और सोनू को उसने कहा कि मैं उफ, उफ, करके फूक मारकर तुम्हारे घर को गिरा दूंगा, और उसने वैसा ही किया। सोनू रन टू मोनूज हाउस। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। बिल्कुल वैसा ही मोनू के घर में जब सोनू भाग के गया तो उसने फूक मारकर मोनू का घर भी गिरा दिया। सोनू एंड मोनू रन टू गोनूज हाउस। अब वो दोनों भागे गोनू के घर की तरफ। The wolf came to Gonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. It was very strong. The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. So आखिरकार wolf जो था वो उनके पीछे पीछे Gonu के house में भी आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे ये घर भी फुफ करके फूक मारकर गिरा दूंगा, और उसने बिल्कुल कोशिश भी की, लेकिन जैसा कि वो बीट और सीमेंट से बना हुआ मजबूत घर था तो उसको सफलता नहीं मिली। वो चला गया। सोनू मोनू कोनू उस घर में उसके बाद आनंद से रहने लगे। तो बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स और नए वर्ड्स के सेक्शन में। यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स हम सीख, जैसे कि एंड जिसका मतलब होता है और, बैड होता है खराब, बिग होता है बड़ा, बट का मतलब परंतु होता है, नॉट नहीं होता है, वन यानी एक होता है, किक जो होता है उसको हम हिंदी में सुअर कहते हैं, द और वाज ये दो वर्ड्स है। वाज एक साह्यकारी क्रियापद है जिसका मतलब था या थी होता है। अगला सेक्शन है लेट्स रीड। द वुल्फ वाज बिग एंड बैड, द पिग वाज नॉट बिग। ये जो सेक्शन है यहाँ पर माता पिता या टीचर को बच्चों को ये दो लाइन खुद से पढ़ने के लिए बताना है। अगर ये दो लाइन या उसमें से कुछ शब्द बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब अल्फाबेट्स की बेसिक जानकारी जो उनको हमने सिखाई है उनका उनको ज्ञान हो गया। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप उनसे ये पढ़वाए। अगला सेक्शन है रीडिंग इज फन। कुछ सवाल पूछे गए हैं जैसे कि हाउ मेनी पिग्स वेयर देयर, देयर वेयर थ्री लिटिल पिग्स। तो इस तरह के सवाल हम पूछेंगे बच्चों की इंग्लिश की जानकारी समझने के लिए। अगर बच्चा सही जवाब दे पाता है तो उसको इंग्लिश समझ में आ रहा है, पिग्स ये उसका जवाब अगर वो देता है। अगला सवाल है व्हाट डिड द बिग वुल्फ से टू द पिग, बड़े वुल्फ ने पिग्स को क्या कहा। द वुल्फ सेड आई विल हफ एंड पफ एंड ब्लो योर हाउस डाउन। अगला सेक्शन है लेट्स स्टॉप। फिर से एक कुछ सवाल है, वॉज द वुल्फ गुड और बैड, वुल्फ अच्छा था या बुरा। इसका जवाब है नो, द वुल्फ वाजंट गुड, ही वाज बैड। व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ, आपका घर किससे बना हुआ है। तो हमारा घर ब्रिक्स से बना हुआ है, तो बच्चा जवाब देगा माय हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। इसके आगे लेट्स शेयर है, उसमें सवाल है हु इज गुड। स्टोरी बच्चों को समझ में आई होगी तो बता देंगे
कि यहाँ पर अच्छा कौन है। पिग इज गुड, हु इज बैड, वुल्फ हु इज बैड। लेट्स एक्ट, एक्टिंग करना है। नई शिक्षण व्यवस्था में बच्चों को पढ़ाई के अलावा ऐसी कुछ बातों से पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ाने की कोशिश की गई है। हमें प्रोत्साहन देना चाहिए इस तरह से एक्टिंग वगैरह करने के लिए। यहाँ पर दो पॉइंट बताए गए हैं। इमेजिन यू आर एट होम व्हेन द वुल्फ हफ एंड पफ, जैसे कि आप एक पिग हो और जो वुल्फ है वो घर को तहस नहस करता है फूक मारकर, तो आप अंदर हो तो आप कैसे एक्ट करोगे। दूसरा पॉइंट है एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ द वुल्फ एंड थ्री पिग्स। अगर बच्चा ये सही ढंग से कर पा रहा है छोटा सा सीन, तो उसको आगे चल के अपने भाई बहन या फ्रेंड से मिलकर ये पूरी स्टोरी एक्ट करने के लिए आप बता सकते हैं। अगला सेक्शन है से अलाउड। यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि पढ़ने के साथ में बच्चों का कॉन्फिडेंस दिखे, तो जो भी बात करनी है से अलाउड, मतलब आप बच्चा जोर से कहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट सेक्शन लेट्स ड्रॉ। ड्राइंग करनी है, जैसा कि कहा पढ़ाई तो है ही, उसके साथ में बाकी सब चीजों में भी दिलचस्पी रखने से पढ़ाई मनोरंजक हो जाएगी। एक ड्राइंग है जिसके माध्यम से कुछ नया सिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर 1 से 10 तक के नंबरों के साथ में एक आधा अधूरा पिक्चर बनाया गया है। हम लोगों को डॉट जोड़ के इस पिक्चर को करके पूरा करना है। जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10 टू मेक द हाउस देन कलर द पिक्चर। तो शुरू करते हैं। 1 नंबर को हमने 2 नंबर से जोड़ा, 2 को 3 से जोड़ा, 3 से लाइन बनाई 4 तक, 4 से 5 तक, 5 से 6 तक, 6 से 7 तक, 7 से 8 तक, 8 से 9 और आखिरी लाइन 9 से लेकर 10 तक खींचने के बाद आपका घर पूरा ड्रा हो गया है। अब बच्चे को क्रेयॉन या जो भी कलर आपके पास है उनसे अच्छे से इसमें पेंट करने के लिए कहिए। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और उनके अधिवास एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। कुछ एनिमल्स फार्म में दिखने वाले हैं, कुछ पानी में रहने वाले हैं, कुछ जंगल के हैं। तो हम लोगों को इन एनिमल्स को रास्ता दिखाना है, पेंसिल से ड्रॉ करके उनका अधिवास या पर्यावरण एनवायरनमेंट में पहुंचाना है। देयर आर फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स इन दिस पिक्चर, हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स, ड्रॉ लाइन्स। तो एक उन्होंने बताया करके, हॉर्स जो होता है वो फार्म में होता है, तो एक लाइन ड्रॉ की है। तो जैसा कि बताया यहाँ पर फार्म है, वाटर है और है जंगल। तो देखते बाकी के एनिमल को भी पहुंचाते हैं उनके घरों तक। यहाँ पर हेन है, उसको हम पहुंचाएंगे फार्म तक, तो लाइन ड्रॉ कर ली हेन से लेकर फार्म तक। अगला है डॉग, डॉग भी फार्म एनिमल है, उसको फार्म में पहुंचाएंगे। फिर है क्रोकोडाइल का पिक्चर, वो वाटर में पाया जाता है, पानी में रहता है, उसको पानी तक लाइन ड्रॉ करके दे दी। काऊ जो है वो फार्म की है, तो उसको फार्म में पहुंचाएंगे। मंकी है, वो ज्यादातर जंगल में पाया जाता है, तो उसको पेड़ पर जंगल में छोड़ देंगे लाइन ड्रॉ करके। फ्रॉग भी पानी में रहता है क्रोकोडाइल के साथ में, फ्रॉग का भी पानी तक का सफर हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। जिराफ है जो जंगल एनिमल है, उसको जंगल तक लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे। एक राइनोसोरस है, उसको भी जंगल में छोड़ेंगे जंगल एनिमल। बियर है, वो भी एक खूंखार जंगली जानवर है, उसको जंगल में छोड़ेंगे। और आखिरी है बफेलो, गाय की तरह बफेलो भी फार्म में पाई जाती है, उसका पेंसिल से ड्रॉ करके रास्ता हमने दिखाया है फार्म यानी खेती तक। तो आप ध्यान से देखेंगे तो फार्म एनिमल्स के लिए ग्रीन कलर यूज किया है मैंने, जंगल एनिमल्स जो खूंखार होते हैं उनके लिए रेड कलर यूज किया है, वाटर एनिमल जो कि नीला है कलर है पानी का। तो इस तरह से अपने प्रेजेंटेशन को, होमवर्क को अच्छे से करने के लिए आप बच्चों को कुछ आदतें डाल सकते हैं, जिससे कि वो पढ़ाई में दिलचस्पी और बढ़ाए और आगे चलकर उनकी ये आदत बन जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, कमेंट करके जरूर लिखिए कि आपको ये क्वेश्चन आंसर और विश्लेषण का पार्ट वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो के और भी 2 मुद्दे हैं, इसके बारे में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाने की वजह से हम आज नहीं बात कर रहे हैं, आने वाले वीडियोज में मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा। तो फिलहाल के लिए गुड बाय।
टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त परिवारों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करना भूलिए मत। धन्यवाद।